बार फिर से स्वागत है आपका एमवी कलेक्शन की एक और नई वीडियो में। तो जो भी इस वीडियो को देख रहा है जिस 3773 बोर्ड जो है, इस वीडियो को देखे बिना बाय बिल्कुल भी मत करना, क्योंकि इस वीडियो में हम दिखाने वाले हैं बहुत सारी अलग अलग चीज़ें, बहुत सारे फैक्ट जो यहाँ पर जो आपने देखा होगा यार। इस बोर्ड को आप ऑनलाइन बाय करो, ऑफलाइन बाय करो, जहाँ बाय करो आपको यही मिलता है। अलग ब्रांड नाम से, कई सारे ब्रांड नेम से बिकता है, ठीक है। कभी यहाँ पर कुछ और लिखा मिलता है, कभी यहाँ पर कुछ लिखा मिलता है, कभी यहाँ पर स्टिकर लिखा मिलता है। तो जहाँ से भी खरीदोगे आपको हाथ में सिर्फ और सिर्फ यही बोर्ड आने वाला है। सब सोचते हैं कि हाँ हम कहीं और से खरीदने तो शायद कुछ और आए, लेकिन आता सिर्फ एक ही बोर्ड है, जो कि है ये। तो भाई इस बोर्ड से जो जो पक चुके हैं, जो जो इसकी क्वालिटी से थक चुके हैं, ठीक है, उनके लिए एक तड़कता फड़कता जो अपग्रेड है ना यहाँ पर, वो अपग्रेड सबकी आंखें खोल देने वाला है। क्यों? क्योंकि वो जो अपग्रेड होने वाला है वो भले ही थोड़ा सा महंगा हो, लेकिन जो पुराने लोग हैं, जो जानते हैं 3773 की पावर और 3773 की जो क्वालिटी हुआ करती थी पहले ज़माने में, उसको एक बार फिर से वापस लिया है एमवी कलेक्शन। तो इस बोर्ड से जो जो थक चुके हैं भाई, इस बोर्ड को कर देते हैं अब थोड़ा अलविदा, ठीक है। तो यहाँ पर आप देखेंगे कि यहाँ पर जो है सामने आ गया है चमचमाता हुआ एमवी कलेक्शन का 3773 एम्पलीफायर बोर्ड। तो भाई देखते ही क्वालिटी का आपको अंदाजा जो है एक बार ही देखने से ही लग गया होगा। तो जिन लोगों को थोड़ा टेक्निकल इन्फॉर्मेशन है वो देखकर ही समझ गए होंगे कि क्या क्वालिटी है क्या नहीं है। तो अब यहाँ पर हम बात करेंगे कि ये जो बोर्ड है हमारा 3773 का बोर्ड है, इसमें क्या क्या खूबियाँ हैं और क्या क्या क्वालिटी है। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं कि ये जो बोर्ड है काफ़ी ज़्यादा देखने में भी अच्छा है और चलने में भी अच्छा है, जिसकी हम टेस्टिंग भी दिखाएंगे। और ये बोर्ड इतनी आसानी से कोई भी इसको फेल नहीं कर सकता, कहने का मतलब इतनी जल्दी से ये ख़राब नहीं होता है। और इस बोर्ड की जो वर्किंग वोल्टेज है, अभी हम इसको चला कर भी दिखाएंगे आपको, कि वैसे हम रिकमेंड नहीं करते कि आप इसे इतने ज़्यादा हाई वोल्टेज चलाओ, लेकिन अगर कोई चलाना चाहता है तो चला कर देख सकता है। इस बोर्ड में आप 35-0-35 तक देख सकते हैं, लेकिन हम मना करेंगे कि 35-0-35 ना दें, क्योंकि जो ट्रांजिस्टर होता है 3773 वो इतने ज़्यादा हाई वोल्टेज से लगातार चलने के लिए नहीं बना होता। लेकिन अगर आप चाहें तो इस बोर्ड में 35-0-35 भी दे सकते हैं, लेकिन उससे थोड़ी सी लाइफ कम हो जाती है ट्रांजिस्टर्स की, ठीक है। तो अब बात करेंगे यहाँ पर कि इस बोर्ड को जो है आप 24-0-24 में, 28-0-28 में बहुत ही प्यार से, बहुत ही अच्छे तरीके से, जिसे कहते हैं ना, चला सकते हैं। क्योंकि जो अभी तक मार्केट में जो बोर्ड अवेलेबल थे, उन बोर्डों में क्या होता था भाई, जो भी 12-0-12 से ऊपर देता, 18-0-18 में भी ट्रांजिस्टर जल जाते थे। और बहुत ही, जैसे कहते हैं ना, क्योंकि अब हम यहाँ पर देखेंगे कि यहाँ पर जितने भी कैपेसिटर यूज़ करे गए हैं, ये सारे ब्रांडेड लोगो ब्रांड के कैपेसिटर्स हैं, जिसको आप एक बार मार्केट में पता करेंगे तो आपको चलेगा पता कि कितने ही महंगे और कितने ही अच्छी क्वालिटी के जो कैपेसिटर्स आते हैं। और यहाँ पर आप देखेंगे, आपको एक एक चीज़ मैं अच्छे से बताऊँगा कि कहाँ पर क्वालिटी में चेंज करा गया है। तो यहाँ पर आप रेजिस्टेंस देख रहे होंगे, सबसे पहले जो वाइट कलर के रेजिस्टेंस हैं, ये वेलोम के ओरिजिनल रेजिस्टेंस हैं, जो कि बहुत ज़्यादा शानदार क्वालिटी के होते हैं। वो जो ग्रीन कलर के रेजिस्टेंस होते हैं, वायर वाउंड रेजिस्टेंस होते हैं, उनसे काफ़ी ज़्यादा बढ़िया होते हैं, ठीक है। तो जो वाइट कलर के जो रेजिस्टेंस हैं, इनकी जो वाटेज होती है वो प्रॉपर रहती है और ये कभी जलते भी नहीं है जल्दी से। इनको जलाने के लिए भाई बहुत ज़्यादा दम चाहिए, किसी को तगड़ा ही शॉर्ट सर्किट होगा तभी ये जलेगा, ठीक है। तो यहाँ पर अब आप देखेंगे मेन चीज़ जो आती है वो है यहाँ के फिल्टर कैपेसिटर, जो कि देते हैं असली बेस बंच। आपको दिख रहा होगा काफ़ी ज़्यादा बड़े कैपेसिटर्स यहाँ पर लगे हुए हैं, तो इनकी जो वैल्यू है वो मैं दिखाना चाहूँगा। और इस बोर्ड में कोई भी लॉट का माल यूज़ नहीं करा गया है, जिस तरह से लोग क्या कहते हैं इसको सस्ता बनाने के लिए, इसकी क्वालिटी इसको सस्ता बनाने के लिए, मार्केट में चलाने के लिए कि ये सस्ता जाएगा, इसके जो कैपेसिटर्स हैं वो जो मतलब जो भी महंगी चीज़ है वो लॉट का माल लगा दिया जाता है, जो कि बहुत ज़्यादा सस्ता पड़ता है, जिसकी वजह से कॉस्टिंग कम हो जाती है। लेकिन हमने यहाँ पर किसी भी जगह पर कॉस्ट कटिंग नहीं की गई है। अगर हाँ मैं आपको बता दूँ, अगर आप चाहते हैं कि यहाँ पर आपको बेल के ट्रांजिस्टर चाहिए, तो बेल के ट्रांजिस्टर जो कहते हैं बहुत ही ज़्यादा महंगे हैं। तो अगर आप चाहते हैं कि बेल के ट्रांजिस्टर लगा कर मिले तो वो भी आपको मिल जाएगा, लेकिन उसके जो चार्जेस होंगे वो अलग हो जाएंगे। वो आप व्हाट्सएप पर आकर हमसे बोल सकते हैं, ऑर्डर पर आप इसमें बेल के ट्रांजिस्टर भी लगवा कर हमसे ले सकते हैं, क्योंकि जो पुराने लोग हैं, जो शौकीन हैं, उन्हें पता है भाई बेल का ट्रांजिस्टर क्या होता था, और उन्हें अगर उस क्वालिटी में चाहिए आपको बेल के ट्रांजिस्टर लगाने हैं तो आपको बेल के ट्रांजिस्टर में भी लगा हुआ मिल जाएगा, ठीक है। तो अब यहाँ पर देखते हैं, यहाँ पर फिल्टर कैपेसिटर का जो साइज़ है और जो इसकी वैल्यू है, ये देखिए 50 वोल्ट 3300 UF, ओरिजिनल ब्रांडेड कंपनी के, ठीक है। आप एक बार सर्च करेंगे तो आपको चलेगा पता कि किस कंपनी के हमने कैपेसिटर्स यूज़ करे हैं। तो यहाँ पर जो कैपेसिटर का साइज़ है वो आप देखेंगे तो आप चौंक जाएंगे कि आपको क्या ही क्वालिटी दी जा रही है, क्या क्वालिटी आपको दी जा रही है, ये देखिए। तो ये कैपेसिटर है जो इसमें यूज़ करा जा रहा है आपका 3300 UF 50 वोल्ट, जहाँ की यहाँ पर यूज़ होता था 2200 UF 35 वोल्ट।
ठीक है। तो अब यहाँ पर आप देखेंगे कि क्वालिटी का किस किस तरह से ध्यान रखा गया है। और यहाँ पर आप बहुत सारे लोग हैं, हमारे बहुत सारे भाई हैं जिन्होंने ऑनलाइन बाय करा 3770 बोर्ड को, फ्लिपकार्ट से ख़रीदा और हाँ हमसे भी ख़रीदा, आपको तब भी ये पहले यही बोर्ड मिलता रहा, लेकिन हमने देखा कि कस्टमर्स की कंप्लेन बहुत ज़्यादा आ रही थी और रिटर्न्स जो हैं इसके बहुत ज़्यादा थे क्योंकि क्वालिटी इतनी एडुकेट नहीं थी, इतनी अच्छी नहीं थी। तो यहाँ पर आप वायर देखेंगे तो वायर की क्वालिटी आप देखिए कितनी हैवी वायर लगाई गई है यहाँ पर, जिससे कि ये टोन कभी भी टूटे ना, क्योंकि यहाँ से सारे वायर्स ब्रेक होकर जाते थे। आप देखेंगे ये यहाँ से मूव भी नहीं कर रहा है, मैं यहाँ पर इसको मूव करने की कोशिश कर रहा हूँ, इतनी मोटी वायर है कि यहाँ से ये जो जहाँ से जॉइंट हो रखा है वहाँ से ये मूव करने का भी नाम नहीं ले रहा है। यहाँ पर आप वायर की क्वालिटी देखेंगे तो वायर की क्वालिटी का आपको अंदाज़ा लग जाएगा। ये देखिए तो ये है एमवी कलेक्शन की क्वालिटी और ये है अदर ब्रांड्स जो कि आपको फ्लिपकार्ट पर मिलते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर आप इसको साइड कर देंगे, क्वालिटी की बात काफ़ी कर ली, अब इसको हम चलाकर भी दिखाएंगे और आपको टेस्ट कराएंगे इसका साउंड, जो कि अब यहाँ पर आप देखेंगे कई बार क्या होता था कि इसकी जो 7812 ये जो यहाँ पर सप्लाई बनाई जाती है पैनल के लिए, ब्लूटूथ पैनल के लिए, इस सप्लाई में भी बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम आ जाती थी लोगों को। क्यों? क्योंकि ये जो यहाँ पर भी क्वालिटी का बहुत ज़्यादा इशू था और डिज़ाइन में भी कुछ दिक्कतें थी। तो यहाँ पर वो सारी चीज़ें चेंजेस कर दिए गए हैं, कभी भी ना ही आपका मॉडल ख़राब होगा, ना ही ये आईसी ख़राब होने वाली हैं, ना ही ये हीट होंगी, ठीक है। तो अब इसकी बात करेंगे कि यहाँ पर जितने भी यहाँ पर छोटे छोटे ट्रांजिस्टर आपको दिख रहे हैं, ये जो यहाँ पर लगे होते हैं, जैसे कि मैं आपको बता दूँ 547 558, ठीक है, ये सब जो ट्रांजिस्टर्स इसमें छोटे छोटे लगे हुए हैं ये सारे CDIL कंपनी के हैं, CDIL ब्रांडेड कंपनी के हैं। और जो यहाँ पर आप PF देख रहे हैं ये सारे देसाई कंपनी के हैं, डेक जिसे कहते हैं, बहुत ही ज़्यादा फेमस और बहुत ही बढ़िया क्वालिटी के बनाने वाले जो कंपनी है उसके सारा कुछ इसमें जो माल लगाया गया है। तो इसलिए थोड़ा सा ये आपको महंगा ज़रूर पड़ेगा क्योंकि यहाँ पर प्राइस का कंपटीशन देने के लिए ये बोर्ड को नहीं निकाला गया है, इस बोर्ड को कंपटीशन देने के लिए निकाला गया है क्वालिटी में, क्योंकि जो लोग बहुत ज़्यादा थक चुके हैं थकी हुई क्वालिटी लेकर, क्योंकि हमारे पास बहुत ज़्यादा कमेंट्स आए, बहुत ज़्यादा मैसेजेस आए और बहुत ज़्यादा रिटर्न्स आए, जिसकी वजह से हमें इस बोर्ड को रीडिज़ाइन करके, इसमें डिज़ाइन में चेंजेस करके इसको बनाना पड़ा। तो यहाँ पर ये जो क्वालिटी है, अब यहाँ पर देखेंगे एमवी कलेक्शन का यहाँ पर 24024 का ट्रांसफार्मर हमने रखा हुआ है, वोल्टेज मैं आपको मल्टीमीटर पर चेक कराऊंगा, ये 24024 का ट्रांसफार्मर है कि कितनी वोल्टेज बन रही है और कितनी वोल्टेज पर ये जो है हमारा बोर्ड वर्क कर रहा है। तो अभी हम इसको ये देखेंगे, यहाँ पर पावर के वायर्स हैं, तो यहाँ पर हमने ग्राउंड और AC कनेक्ट कर दिया है, जो कि आप सब लोग जानते हैं, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। यहाँ पर ग्राउंड से ग्राउंड कनेक्ट कर दिया है, ग्राउंड से ग्राउंड और ये दोनों AC के वायर कनेक्ट कर दिए, तो डायरेक्ट इसमें ट्रांसफार्मर लगाना होता है। अब यहाँ पर देखेंगे हम पावर ऑन कर देते हैं, पावर ऑन करते ही हमारे देखिए यहाँ पर ये देखिए हमारा पैनल चालू हो चुका है, ये देखिए तो हमारा पैनल चालू हो चुका है यहाँ पर, और ये पैनल भी बहुत ही अच्छी क्वालिटी से चलेगा क्योंकि इसको प्रॉपर बेहतरीन वाली सप्लाई मिलेगी। तो यहाँ पर ये देखिए अब वोल्टेज आपको एक बार चेक करा देता हूँ कि आखिरकार वोल्टेज कितना आ रहा है यहाँ पर कैपेसिटर्स में। तो वोल्टेज चेक कराने के लिए मैं आपको मल्टीमीटर में दिखा देता हूँ एक बार, तो हम इसको डीसी वोल्टेज देखेंगे कैपेसिटर्स पे, जो इसके मेन कैपेसिटर्स हैं, थोड़ा ध्यान रखें जिससे कोई शॉर्ट सर्किट ना हो, ठीक है, आपको मेन कैपेसिटर्स पे कितना वोल्टेज आ रहा है, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए हमने डीसी में कर रखा है इसको, अब कैपेसिटर पे वोल्टेज दिखाएंगे हम आपको, वोल्टेज कितना आ रहा है ये देखिए, यहाँ पर 37 वोल्ट डीसी पे ये वर्क कर रहा है। और यहाँ पर देखिए दोनों कैपेसिटर्स पे मैंने दिखा दिया, दोनों कैपेसिटर्स में बिल्कुल सेम वोल्टेज है, इसका मतलब जो कैपेसिटर्स की क्वालिटी है वो भी अच्छी है, दोनों कैपेसिटर्स में कोई डिफरेंस नहीं है। तो इसको दोबारा से सावधानी के साथ इसको सीधा कर देंगे जिससे कोई शॉर्ट सर्किट ना हो, ठीक है। अब यहाँ पर अब हम आपको इसको चलाकर दिखाएंगे, हमने आपको वोल्टेज दिखा दिया कितने वोल्टेज पिच पर ये एमवी कलेक्शन का एम्पलीफायर जो बोर्ड है ये वर्क कर रहा है। अब इसको हम यहाँ पर इसको मल्टीमीटर को ऑफ कर देंगे, यहाँ पर अब हम इसमें प्ले करेंगे सॉन्ग, जिससे कि आपको दिख जाए कि आप क्या ही क्वालिटी लेने वाले हैं, ठीक है। तो यहाँ पर हम प्ले करते हैं कोई सॉन्ग, और जिससे कि कॉपीराइट ना है, और इसको प्ले करके दिखाते हैं आपको साउंड की कितना तगड़ा साउंड आ रहा है इसमें। तो यहाँ पर मैं आपको एक बार दिखाऊंगा कि यहाँ पर मैं बिल्कुल फुल वॉल्यूम कर दूंगा, ये अभी जीरो है, फुल वॉल्यूम करूंगा आपके सामने और आप देखना बिल्कुल भी आवाज़ नहीं पटेगी, बिल्कुल भी फुल वॉल्यूम में भी। Girl,
आपको जो थोड़ा बहुत अंदाज़ा लगना चाहिए था वो लग गया है। अभी हमने आपको एक चैनल पर ये जो है ये हमारा 150 वाट का स्पीकर है, ठीक है, इसको हमने आपको चलाकर दिखाया है। टावर है पूरा, इसमें आपको ट्विटर भी लगा हुआ है, ठीक है, D450 जो कहते हैं वो ट्विटर लगा हुआ है इसमें। तो ये हमने आपको प्ले करके दिखाया, तो कितने ही शानदार क्वालिटी से चल रहा है। बाकी आप जानना चाहते हैं कि इसकी क्या क्वालिटी है तो इसके लिए आपको इसको ख़रीदना पड़ेगा, ठीक है। तो इसको बाय करने के लिए आप हमें व्हाट्सएप पर भी मैसेज कर सकते हैं, व्हाट्सएप का नंबर मैं आपको बता देता हूँ, 9654203968। इस नंबर पर आप व्हाट्सएप करेंगे तो ये जो आपको बोर्ड है ये वहाँ पर मिल जाएगा, ठीक है, या फिर ऑनलाइन भी फ्लिपकार्ट पर ये अवेलेबल करा दिया गया है। फ्लिपकार्ट से भी आप लेना चाहते हैं तो फ्लिपकार्ट से भी ये बोर्ड आप परचेज़ कर सकते हैं, क्योंकि हमें पता है इस बोर्ड की क्वालिटी से सब तक चुके हैं। तो इसको करेंगे अलविदा और अब आपको मिलेगा सिर्फ और सिर्फ MV कलेक्शन का ब्रांडेड सुपर क्वालिटी में। और जिसको बेल के ट्रांजिशन चाहिए भाई एक बार मेंशन कर दो, और आपको जो भी है उसका जो एक्स्ट्रा चार्जेस होते हैं, क्योंकि वो बेल का ट्रांजिशन कुछ ज़्यादा ही महंगा आता है, तो वो आपको चार्जेस बताकर आपको बेल के ट्रांजिशन भी लगाकर दे दिए जाएंगे, जिसके बाद इसकी क्वालिटी इतनी ज़्यादा नेक्स्ट लेवल चली जाएगी कि यह हर एक बोर्ड को फेल कर देगा, ठीक है। तो यहाँ पर आप देखिए, आप अगर खरीदना चाहते हैं तो व्हाट्सएप कर सकते हैं या फिर आप क्या कहते हैं फ्लिपकार्ट से भी बाय कर सकते हैं। तो जिसको भी वीडियो अच्छी लगी वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। अब आ चुके हैं थोड़े छोटे बोर्ड जो कि आपके बजट में भी सेट करें।